बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटिव। दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो असामियों की जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में मर्द और ख़वातीन हज़रात के लिए बहुत ही शानदार जो है वो नौकरी का ऐलान किया गया है, जिसकी मुकम्मल तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर बात की जाए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, educatives.com करना है। जैसे ही आप educatives.com करेंगे, एंटर का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सामने इस तरह के कुछ लिंक्स जो है वो आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। अब उसके बाद बात की जाए यहाँ पर बात की जाए तो educatives educational learning point के नाम से, तो यहाँ पर आपने मेन पेज के ऊपर जो है वो लिंक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर educatives एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप मुकम्मल डिटेल देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैसे फ्रंट पे भी आपको लिंक नज़र आ रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म एटॉमिक एनर्जी जॉब 2020 अक्टूबर लेटेस्ट। तो अगर आप बात करना चाहें तो यहाँ पर इसके डिटेल के लिए, तो अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप लिखते हैं एटॉमिक एनर्जी, अगर आप इधर एटॉमिक एनर्जी लिखेंगे, सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने जो है वो उसकी जितनी भी एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड एटॉमिक एनर्जी की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम बात करें बिल्कुल लेटेस्ट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म एटॉमिक एनर्जी जॉब 2020 अक्टूबर लेटेस्ट। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका जो है वो एक कम्प्लीट जो है वो जॉब डिटेल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकेशन आपकी जॉब लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद होगी। पोस्टेड जो डेट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 अक्टूबर 2020 है, लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 28 अक्टूबर 2020। न्यूज़पेपर की बात की जाए तो द न्यूज़ पेपर है। अब उसके बाद ये डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम डायरेक्ट इसकी एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक टू में लेवल 3 है, लमसम सैलरी है 31,200 रुपये। उसके बाद जो है वो ट्रेड इसका मैकेनिकल होगा, और उसके बाद यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, FSC अगर प्री इंजीनियरिंग के साथ है, फर्स्ट डिवीज़न है, तो उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होगा। अगर आपकी मैट्रिक विद साइंस है, फर्स्ट डिवीज़न है, तो उसके लिए आपके पास 2 साल की जो है वो जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके बाद टेक 2 होना चाहिए, लेवल 3 है, उसकी भी सैलरी सेम होगी, उसकी भी इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद सेम ही है, उसके बाद सेम FSC प्री इंजीनियरिंग या मैट्रिक है। फिर उसके बाद टेक 3 है, उसके बाद ये टेक 2 की थी, उसके बाद टेक 3 लेवल 2 है, उसकी जो सैलरी होगी वो 25,000 है मैकेनिकल। उसके बाद मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकेंड डिवीजन विद एट लीस्ट उसके बाद 50 मार्क्स होने चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैट्रिक विद साइंस मिनिमम सेकेंड डिवीजन और उसके बाद 5 साल का एक्सपीरियंस। फिर ड्राइवर 3 की जॉब्स हैं, लमसम सैलरी है 25,000। उसके बाद मैट्रिक जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और उसके बाद जो मिनिमम हाइट उसकी 168 सेंटीमीटर 5'6" होनी चाहिए, 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर पोजीशन जो सीरियल नंबर 1, 2 ओनली 1 एंड सेकेंड डिवीजन इन द इंटायर एकेडेमिक कैरियर फ्रॉम मैट्रिक ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 2 सीरियल नंबर के सिर्फ एक मरतबा, 1 और 2 इसका मतलब है सिर्फ मैट्रिक तक जो है वो सेकेंड डिवीज़न है, लेकिन आपको FSC में अगर है तो फर्स्ट डिवीज़न आपको यहाँ पर होनी चाहिए। तो एज की बात की जाए तो 18 से 35 साल वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद सेलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें पाकिस्तान में कहीं भी पोस्टिंग कर दी जा सकती है, जहाँ जहाँ जो है वो उनका एटॉमिक एनर्जी का प्लांट होगा। अब उसके बाद बात की जाए यहाँ पर अप्लाई करने की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एप्लीकेंट्स जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो प्रिस्क्राइब्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, जो यहाँ से आप जो है इसके ऊपर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड, यहाँ पर आपने पोस्ट अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने जो है वो ये देखें कि पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये देखें ये पोस्ट नेम है टेक 3 लेवल 3 और ट्रेड मैकेनिकल। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्ट का नाम, यहाँ पर आपकी पिक्चर आ जाएगी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आपका नाम, आपका जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर, आईडी कार्ड नंबर, उसके बाद जो है आपके फादर का नाम, ये कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, फिर आपके कितने एज हुई है, आप कितने साल, कितने मंथ और कितने डेज हो गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपका जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आईडी कार्ड नंबर, फिर आपकी नेशनलिटी पाकिस्तान है, फिर आपका डोमिसाइल, कि आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट है, फिर आपका मज़हब कौन सा है, मुस्लिम है या MD ETC, फिर आपका जो है वो फ़िका कौन सा है, सुन्नी है या शिया, फिर आप मैरिड हैं या अनमैरिड, फिर स्पाउस आपके जो है वो नेशनलिटी, आपकी जो लाइफ पार्टनर है उसकी क्या है, उसके बाद वो करती क्या है या करता क्या है, फिजिकल फिटनेस है, फुली फिट है या डिसेबल, आपका पोस्टल एड्रेस आ जाएगा,
फिर आपका परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो सेम एज अबव कर दीजिएगा, आपका मोबाइल नंबर हो जो कन्वर्ट ना हो, फिर आपकी एग्जामिनेशन, फिर आपका पासिंग ईयर, फिर आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपके नंबर कितने थे, टोटल कितनी थी, परसेंटेज कितनी है, डिवीजन कितनी है, मेजर सब्जेक्ट कितने हैं, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है वो लिखनी है, फिर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है, फिर आपका ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो जॉब करते रहे हैं उसमें पोजीशन क्या थी, फील्ड ऑफ वर्क क्या था फ्रॉम और टू, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो कर देना है, फिर यहाँ पर आपकी डेट और यहाँ पर आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, इसको आपने फिल कर लेना है। अब उसके बाद क्या कर देना है, फिल करने के बाद आपने आपने अटेस्टेड फोटोकॉपीज होनी चाहिए साथ में, आपके एजुकेशनल डिग्रीज, आपका मैट्रिक, आपकी एफएससी, फिर आपका सर्टिफिकेट्स, आपके टेस्टिमोनियल्स, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो इन सब को जो है वो आपने एक एनवेलप में डालना है, एक लिफाफे में डालना है, और बैक साइड पे आपने अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी पोस्ट का नाम और अपना एड्रेस लिखकर और अपना नाम लिखकर आपने दूसरी साइड पे एड्रेस लिखना है SR.Administrative Officer ESWT.PO Box 3113 इस्लामाबाद। अब यहाँ पर जो है वो आपने इस एड्रेस के ऊपर आपने सेंड कर देना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी एक डिटेल वीडियो जिसकी जो है वो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में काफ़ी तादाद में जो है वैकेंसीज आई थी, उसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर की, उसकी जॉब, उसकी सैलरी, और मर्द मेल और फीमेल दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और ईमेल एड्रेस के थ्रू भी जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एजुकेटिव चैनल के थ्रू जो है वो आप लेटेस्ट वीडियो से आगाह रह सकते हैं, तो इसलिए आप एजुकेटिव चैनल के साथ अपडेट रहें, इसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लें अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं, और बेल नोटिफिकेशन आइकन के ऊपर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं एक नए के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।